हेलो दोस्तों दोस्तों अमित इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास इस समय बिजली का एलईडी बल्ब रिपेयर के लिए आया हुआ है जो कि ये है, तो इसमें हम ये ख़राब हो गया है और इसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ ख़राब है। इसमें किट होता है, एलईडी बल्ब होता है, तो ये ख़राब हो गया, आज इसको हम रिपेयर करेंगे। तो इसको घुमा कर भी खोल सकते हैं और इसमें ग्लू ज़्यादा लगा होता है तो जाम होता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा हीटिंग दे के भी इसको खोल सकते हैं। फ़िलहाल ऐसे ट्राई कर लेते हैं, खुल गया तो ठीक है, नहीं तो हीटिंग देंगे फिर। लेकिन देखिए इसे घुमा के हल्का हल्का घूम रहा है, इसको इस तरह से घुमा के खोल लेते हैं। देखिए हमने खोल लिया, यहाँ पर देखिए ये बहुत हल्की किट होती है, ये देखिए बहुत हल्की किट होती है, ये इसमें लगी हुई है और इसमें हम इससे अच्छी वाली किट लगाएंगे, जो बल्ब अलग होता है और किट अलग होती है। इसमें की जो ओरिजिनल किट होगी, तो जिसने पहले कोई कारीगर पहले इसको रिपेयर किए हैं तो वो ये वाली किट डाल दिए हैं, उसको निकाल दिए हैं, ओरिजिनल इसकी किट अलग आती है, तो वो है नहीं। फ़िलहाल मार्केट से जो मिलती है उसको हम लगाएंगे। देखिए ये वाली ये मार्केट से मिलती है, 7 वाट 8 9 वाट जो भी ले सकते हैं आप मार्केट से, तो इसको हम इसमें लगाने वाले हैं आज। देखिए इस एलईडी को और इस एलईडी किट को दोनों को इसमें फिट कर देंगे और अच्छा चलेगी। तो आइए फटाफट से इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद निकाल के इसमें इसको फिटिंग करेंगे। ये देखिए किट को हमने इसमें यहाँ देखिए इसको जोड़ लिया है और यहाँ डबल टेप की सहायता से यहाँ अंदर चिपका लेंगे इसको, और उसके बाद जो है कि यहाँ इसको चिपका के लगा लेंगे ताकि चिपक जाए। देखिए कुछ इस तरह से, उसके बाद हम ये एल्युमिनियम प्लेट को यहाँ फिट कर लेंगे इसे। ये देखिए इसको यहाँ से इसे इसको ऐसे जाम हो जाता है तो ठीक है, नहीं जाम होता है ना, यहाँ थोड़ा जाम लगना चाहिए, अगर नहीं नहीं तो खुल जाएगा, निकल जाएगा, और यहाँ जाम कर लेंगे। अगर नहीं जाम होता है, अगर ढीला रह जाता है कुछ, तो ग्लू की सहायता से यहाँ पे चिपका लेंगे इसको इस तरह से। उसके बाद लगाने के बाद देखिए हम ये एलईडी बल्ब को यहाँ पे एलईडी बल्ब को यहाँ लगा के इसको सोल्ड कर लेंगे और यहाँ स्क्रू पर टाइट कर देंगे इसको, यहाँ स्क्रू से कस लेंगे, हमारा स्क्रू है यहाँ पे, इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम ऐसे इसको हमने यहाँ पे स्क्रू टाइट कर लिया, उसके बाद सोल्डर से हम इसको कनेक्शन कर लेंगे। सोल्डर की सहायता से इसको हम यहाँ से सोल्ड कर लेंगे। इसको हमने सोल्ड कर लिया दोस्तों, चेक करेंगे इसको हम एसी देकर, एसी वोल्टेज देते इसको चेक करेंगे। देखिए हमने एसी में इसको लगा लिया, अब यहाँ से इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारा जलने लगी, एलईडी बल्ब हमारा ठीक हो चुका है। देखिए लगा दिया हमने और देखिए जल रहा है, अब इसका जो है हम फटाफट से
कवर इसका ऐसे ढक्कन लगा देते हैं इधर से इसे, देखिए हमने इसको, देखिए यहाँ से इसको हमने देखिए लगा दिया। उसके बाद हमारा एलईडी बल्ब तैयार हो चुका है। अब देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं, ऐसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए इसको हमने यहाँ से ऐसे सप्लाई दे दिया, देखिए जल रहा है बल्ब हमारा, देख रहे हैं दोस्तों। इसमें जो किट हमने आपको दिखा के लगाया है, देखिए जल रहा है ये किट, ये कुछ ज़्यादा दिन तक चल जाती है। लेकिन जो इसमें से हमने निकाला, जो पहले का कारीगर किसी ने लगाया था, जो हमने निकाला वो कम चलती है। जो देखिए ये है वो कम चलती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा डाउन होता है वोल्टेज, तुरंत ख़राब हो जाती है, तो ये चलती नहीं है। इसलिए हमने इसमें ये वाला जो दिखाया आपको वीडियो में, ये वाला किट और एलईडी लगा दिया, वो चलेगा, कुछ समय तक चल जाता है, काफ़ी समय तक चल जाएगा। इसको हमने लगा के अपना एलईडी बल्ब रिपेयर कर लेना है। और इस वीडियो में ही तक, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना दोस्तों। और वीडियो ही समाप्त करते हैं, नमस्कार दोस्तों।